Hello, I am Vishist, your Vishist IELTS tutor. IELTS speaking tips part 1, 2, 3 में today I am here with very important topic जो कि आपकी speaking part 1 के अंदर आपसे examiner अक्सर पूछ लेता है. Personal interview के time में आपका part 1 का जब introduction session चल रहा होता है तो आप इस question का reply कैसे करें examiner को, उसके लिए मैंने आज ideas दिए हैं कुछ questions के. So इनको अच्छे से देखें और अगर इन आइडियाज़ को आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये आपके लिए ही बनाए गए हैं. अगर आप यहाँ से आइडिया लेके अपना कुछ आंसर क्रिएट करना चाहते हैं दैट इट इज़ वेरी फाइन, यू कैन मेक इट योर ओन आंसर. सो अभी शुरू करते हैं. और इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगर अभी आपका भी कुछ ऐसा कोई है क्यू कार्ड और क्वेश्चन जिसका आपको आंसर बनाना है, आइडिया चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं. आई विल डेफिनेटली आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. सो मैं आपको आइडिया ज़रूर दूंगी अपना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. और उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. नाउ लेट्स बिगिन. डू यू एवर गेट डिप्रेस्ड? एग्जामिनर विल आस्क यू दिस क्वेश्चन बिकॉज ऑन एवरीबडी सम हाउ एट सम टाइम एट सम पॉइंट डिप्रेस हुआ ही होता है या हो गया होता है या हो जाता है. सो डू यू एवर गेट डिप्रेस्ड, वाई? तो आप आंसर कैसे देंगे? योर रिप्लाई शुड बी, आई एम ह्यूमन बींग सो इट इज़ बट नेचुरल for me to get depressed when things or person, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं. when things are not up to my expectation, I get depressed when somebody cheats me and tries to be an over smart. These people tries to take undue advantage of your innocence and ignorance. These people like snake in the green grass. So इस तरह से आप अपने आंसर को दें, definitely you will get high score in this speaking part 1. So next question क्या पूछ सकता है examiner? what do you do get rid of depression? अगर depression हो जाता है तो उससे आप निकलने के लिए क्या करते हो? my depression does not have an everlasting impact on me. इस तरह से आप आंसर अपना स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट आई टेक पिटी ऑन द पर्सन हु प्रोड्यूस द डिप्रेशन ऑन मी. सेकेंडली आई एम लवर ऑफ म्यूजिक. म्यूजिक इज द बेस्ट डिप्रेशन बस्टर. आई लिसन मेलोडियस म्यूजिक एंड माई डिप्रेशन एंड्स इन नो टाइम. सो इस तरह से अपने, बिकॉज म्यूजिक सभी के लिए अच्छा है, सभी सुनते हैं, खुशी देता है, तो म्यूज़िक इज़ वन ऑफ द बेस्ट जो है वो डिप्रेशन बस्टर है. सो इस तरह से आप अपने आंसर को दें एंड यू विल डेफिनेटली गेट हाई स्कोर इन दिस स्पीकिंग सेशन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें एक गलती कर देते हैं. क्वेश्चन होता है हु इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन योर फैमिली, तो वो अक्सर बोल देते हैं कि माई फादर और ग्रैंडफादर और अगर और ग्रैंडमदर. कोई भी बड़ा है तो आप सिर्फ उसका नाम ले लेते हैं, जो कि गलत है. आप अपनी फैमिली के साथ इम्पोर्टेंस, एग्जामिनर ने पूछा हु इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन योर फैमिली, तो सबसे पहले आप फैमिली के साथ रिलेटेड, मीन्स फैमिली में इम्पोर्टेंस, फैमिली में तो सब बंदे ही इम्पोर्टेंट हैं ना. आप भी इम्पोर्टेंट हो, आपकी सिस्टर भी इम्पोर्टेंट है, आपकी मॉम भी इम्पोर्टेंट है. सो हु लिव, if you are live in the joint family, if you are live in the nuclear family, तो accordingly आप अपने answer को ready करें. So like ये मैंने बनाया है nuclear family के point of view से, आप इसको joint के according भी बना सकते हैं. So we live in a nuclear family, आप अपने answer को इस तरह से शुरू करेंगे. All the member of my family are very important, सब बंदे आपकी family में बहुत important है, because family means the persons who live in that family, ठीक है ना. जब सभी mom, dad, brother, sister, अगर आप joint family है तो grandfather, grandmother, सब आपकी, अगर मामा, चाचा, ताया, uncle, aunt, कोई भी आपके साथ रहता है तो all the member are very important in your family, ठीक है. तो आप सबका importance बताएंगे. but my father is the decision making authority in our family, तो यहाँ पे उनकी अपने आप से ही importance जो है वो आ गई.
But it doesn't mean my mother is second fiddle. My father takes all the crucial decisions with the consent of my mom, mother. So, आप इस तरह से अपने आंसर को लिखिए. अगर आप ज्वाइंट फैमिली में हैं, आपके ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर आपके साथ रहते हैं, तो आप उस तरह से लिखिए. तो आप लिख सकते हैं माई ग्रैंड फादर इज द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन आवर फैमिली, बट इट डज नॉट मीन माई फादर माई ग्रैंड मदर माई मदर इज द सेकेंड फिडल. माई ग्रैंड फादर टेक्स ऑल द क्रूशियल डिसीजन विद द कंसेंट ऑफ माई फादर माई मदर और माई ग्रैंड मदर. तो इस तरह से आप अपने आंसर को दें. तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू इंक्रीज योर हाई स्कोर. सो इसी के साथ थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम. अगर आपको भी कुछ आंसर कुछ आइडिया चाहिए तो आप अपने क्वेश्चन को बना के मुझे भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर. बट बिफोर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल बटन, ताकि मेरी जब भी वीडियो अपलोड होती है तो आपको ज़रूर मिले उसकी अपडेट. और इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर ऑल्सो. बाय एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.